बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल नंबर 7.4, 7.5 और 7.6 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एग्जांपल 7.4। अ 15.0 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। बच्चों, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है हमें 15.0 माइक्रोफेरेड, और एक ही एसी सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट की और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। ये बच्चों हमें यहाँ पर आरएमएस वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की। अब आगे देखते हैं, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट। क्या फाइंड करना है हमें? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा रहता है तो उस सर्किट में ऑपोजिशन ऑफ द करंट जो है, मींस जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एक तो ये एक्स सी की वैल्यू फाइंड करनी है और करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और करंट में करंट की आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों फाइंड करनी है। तो इफेक्टिव वैल्यू और पीक वैल्यू ये फाइंड करनी है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। उसके बाद ये बताना है कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है एसी करंट की, फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमें कैपेसिटेंस गिवन है 15.0 माइक्रोफेरेड। हमने इस 15 माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट कर लिया है फेरेड में बाय मल्टीप्लाइंग 10^-6। वीआरएमएस वैल्यू वोल्टेज की 220 वोल्ट गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज़। फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। तो फॉर्मूला हमें पता ही है एक्स सी के लिए, 1/ωc। यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2π ν या 2π f। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू या एफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2π ν c ये लिखा है हमने। तो एक्स सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2π की वैल्यू हमने रख दी 3.14। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है और सी की वैल्यू 15 × 10^-6 ये है। तो ये सारी वैल्यूज रख दी और इसको सॉल्व कर लिया। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास ये एक्स सी की वैल्यू आ जाती है नियरली इक्वल टू 212। अब बच्चों, ये रेजिस्टेंस ही तो है सर्किट का, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो ओम ही होगी। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू आ गई 212 ओम। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमें इसमें फाइंड करना है आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन एक्स सी। जस्ट आप कंपेयर भी कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इस तरीके से। और रेजिस्टेंस, यहाँ ये जो कैपेसिटिव सर्किट है उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं। वीआरएमएस की वैल्यू क्या है? 220 वोल्ट, और एक्स सी की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट की ही है। तो इससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास करंट की जो इफेक्टिव वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, वो आ जाती है 1.04 एम्पियर। ठीक है, अब हमें इसमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पता है कि जो पीक वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू का अंडर रूट 2 टाइम्स होती है। तो अब हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस आरएमएस करंट को, और अंडर रूट 2 की वैल्यू हमने रख दी 1.41। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 1.47 एम्पियर। ठीक है, तो जो पीक करंट है वो आ गया 1.47 एम्पियर। अब हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें ये वैल्यू मैक्सिमम होती है और मिनिमम भी होती है। मींस जो करंट है वो ऑसिलेट करता रहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में। तो यही वैल्यू पॉजिटिव होगी और यही वैल्यू मिनिमम भी होगी। दैट इज़ करंट ऑसिलेट्स बिटवीन +1.47 एम्पियर टू -1.47 एम्पियर। इसको हम ऐसे ग्राफ में देखते हैं ना, एसी सर्किट के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरीके से आता है ना ग्राफ। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये है इसकी पीक वैल्यू IM, और यहाँ पर ये वैल्यू इधर आ जाती है, ये -IM।
तो जो करंट है वो इसके बीच में ऑसिलेट करता बच्चों रहता अब है। आगे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, एक्स इज इक्वल टू 1/2 π μc। यहाँ से हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ ये इन्वर्सली रिलेट कर रहा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो एक्स सी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। और एक्स सी क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस ही है, और जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो जो करंट है वो डबल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है ना, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू हाफ हो जाती है तो करंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इस तरह अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के हाफ होने से जो करंट है वो डबल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल 7.4 आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं हम एग्जांपल 7.5। बच्चों एग्जांपल 7.5, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि एक इंडक्टर है और ये एक बल्ब है, ये दोनों एसी सोर्स से कनेक्टेड हैं और यहाँ पर ये की लगी हुई है सर्किट में। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम, अब यहाँ पर स्विच को क्लोज कर दिया जाता है और जब करंट सेटल हो जाता है तो उस टाइम पर, आफ्टर सम टाइम मीन्स करंट सेटल होने के बाद, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के कोर में एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दी जाती है। द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीजेज डिक्रीजेज इज अनचेंज्ड एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड। अब ये बताना है कि इंडक्टर में आयरन रॉड इंसर्ट करने के बाद इस बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गिव योर आंसर विद रीजन। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर हमने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया, ये इंडक्टर, ये बल्ब, ये एसी सोर्स और ये है की। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। अब ये जो इंडक्टर है बच्चों, इसका काम क्या होता है एसी सर्किट में, ये करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। एंड द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टेंस, तो ये इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल। अब जब यहाँ इंडक्टर के कोर में एक आयरन रॉड इंसर्ट की जाती है तो जो यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्टर के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रॉड को भी मैग्नेटाइज कर देती है, उससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इंडक्टेंस, तो जिस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है तो ये इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अब इंडक्टेंस के इंक्रीज होने से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टिव सर्किट है ना कि यहाँ सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट का वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो गया, मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा करंट डिक्रीज हो जाएगा। आई इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय एक्सएल, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि करंट डिक्रीज हो गया। अब जब सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो बल्ब है ये पहले के कंपैरिजन में कम ग्लो करेगा, मतलब इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब डिक्रीजेज। ऑप्शन बी गिवन हमें क्वेश्चन में वो करेक्ट है। अब यहाँ पर हम एक बात और ये देख लेते हैं बच्चों कि अगर ये जो एसी सोर्स है इसको डीसी सोर्स से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जब इंडक्टर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो करंट में कोई चेंज नहीं होता। करंट में कोई चेंज ना होने का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू 2 π μ रख दें हम यहाँ पर, तो जो फ्रीक्वेंसी है डीसी करंट की उसको हम जीरो मान लेते हैं, तो उससे क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस भी जीरो हो जाता है। मतलब ये जो इंडक्टर है ये एक प्लेन वायर की तरह काम करता है, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो ऐसे में करंट ज़्यादा मिलता है बल्ब को, ज़्यादा करंट मिलेगा तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो अगर ये जो सर्किट है इसमें एसी सोर्स को डीसी सोर्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन इस इंडक्टर में रॉड को इंसर्ट करने से इसकी ब्राइटनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है
और ये एक सिंपल वायर की तरह से एक्ट कर रहा है, तो ऐसे में अगर रॉड को इंसर्ट भी कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सएल है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो रेजिस्टेंस इसका ज़ीरो है। तो ये हम और यहाँ पर इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर एसी सोर्स है तो इंडक्टर में रॉड इंसर्ट करने से इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और अगर डीसी सोर्स है तो ये एसी के कंपैरिजन में बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन रॉड इंसर्ट करने से इसकी ब्राइटनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों था एग्जांपल 7.5। अब हम देखते हैं एग्जांपल 7.6। एग्जांपल 7.6, अ रेजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15.0 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ एसी सोर्स। बच्चों हमें ये पता चल गया कि ये आरसी सर्किट है, यहाँ पर ये रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी सोर्स से, और इस एसी सोर्स की जो आरएमएस वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट, बी पार्ट में कैलकुलेट द वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो हमें आरएमएस वोल्टेज फाइंड करनी है रेजिस्टर के अक्रॉस एंड कैपेसिटर के अक्रॉस, सीरीज में कनेक्टेड है ना ये, इसलिए जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, तो वो दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। अब ये जो पार्ट है इसको हम आगे देखेंगे बाद में, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए पार्ट में हमें फाइंड करना है करंट इन द सर्किट। करंट फाइंड करने के लिए पहले हमें सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड करना होगा। इम्पीडेंस मतलब ये इस तरीके के सर्किट के लिए, जैसे ये आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसको ही हम बोलते हैं इम्पीडेंस। जैसे जब किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ होता है तो वहाँ पर ऑपोजिशन ऑफ द करंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सर्किट में इंडक्टर है या कैपेसिटर है तो हमने देखा कि वहाँ पर हम ये ऑपोजिशन ऑफ द करंट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी तरह से जब सर्किट में रेजिस्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो, मतलब आरसी सर्किट हो या फिर आरएल सर्किट हो, इंडक्टर लगा हुआ हो या फिर तीनों हो, रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर आरएलसी सर्किट हो, तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का मींस ऑपोजिशन ऑफ द करंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो इस सर्किट में आरसी सर्किट में जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है वो क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम एक्स सी की 1/ωc ये रख दे रहे हैं, और अब आगे हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2π μ। तो ये हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2π μ रख दी है, और उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी वो सब रख दी। क्वेश्चन में हमको जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू गिवन है 200 ओम, और यहाँ पर ये 2 और पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज़ और सी कैपेसिटेंस की वैल्यू 15 × 10⁻⁶। ये गिवन है, इसका है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, हमने इसका स्क्वायर कर दिया है। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों ये सेम कैलकुलेशन हमने एग्जाम्पल 7.4 में की थी, इसको देखते हैं हम। यहाँ पर हम देख सकते हैं ना 1/2π, यहाँ पर 15 × 15 × 10⁻⁶, तो सेम कैलकुलेशन है। तो क्या वैल्यू मिली थी हमें, 212 ओम। तो यही डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेंगे 212 ओम। तो अब हमने ये 200 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, ये 20 है ना, स्क्वायर किया तो 10⁴ आ गई, और 2 का स्क्वायर 4। इधर 212 का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ हमने 10⁴ लिखी है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे पावर 4 की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 4.5। अब क्या है, ये 4.9 है ना, इसलिए हमने इसको 4.5 तक राउंड ऑफ करके लिख लिया है। इससे वैल्यू पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ा ईजी हो जाएगी। पावर 1, 2, 3, 4, 4 पावर आ गई है। तो अब हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, और ये 10⁴ कॉमन आ गया बाहर, तो 10⁻² हो गया है। इनको ऐड कर दिया हमने, 8.5 का स्क्वायर रूट ले लिया,
2.915, इस तरीके से ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो 291.5 ओम, ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई है, मतलब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है आरसी सर्किट का, ये वो मिल गया हमें। अब हम करंट फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू वी अपॉन रेजिस्टेंस मीन्स इम्पीडेंस, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, ये फॉर्मूला ले लिया। यहाँ पर ये RMS वैल्यू है 220, जेड की वैल्यू रख दी हमने और इसको डिवाइड किया तो 0.755 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई। तो बच्चों अब ये करंट की वैल्यू मिल गई हमें, I इज इक्वल टू 0.755 एम्पियर। अब हमें बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं इसलिए करंट तो सेम ही रहेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। ये करंट की वैल्यू, ये हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दी तो 151 वोल्ट, ये आ जाता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अब हमें फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो बच्चों हम यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं IXC, यहाँ पर XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये करंट की वैल्यू रख दी, हमने XC की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई करके 160.3 वोल्ट, ये आ जाता है। अब हमारे पास VR की वैल्यू है, VC की वैल्यू है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका अगर हम सम देखें तो ये 311.3 वोल्ट आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो सर्किट है, सर्किट में सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टर और कैपेसिटर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज का सम है वो आ रहा है 311.3 वोल्ट, मींस VR प्लस VC, ये वैल्यू 220 वोल्ट से ज़्यादा आ गई। तो ये एक पैराडॉक्स है यहाँ पर। तो इस पैराडॉक्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं कि ये ज़्यादा कैसे आया, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो वोल्टेज और करंट है, मतलब AC के लिए वोल्टेज और करंट को हम रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने फेजर डायग्राम्स पढ़े हैं ना, जहाँ पर करंट और वोल्टेज को रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये VR और VC ये सेम फेज में कभी नहीं हो सकते हैं, मतलब एक लाइन में नहीं आ सकते ये कभी भी। तो यहाँ पर जो RC सर्किट है, उस सर्किट में ये जो VR और VC हैं वो एक दूसरे के साथ π/2 के फेज डिफरेंस पर होते हैं। तो इसलिए जब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो उससे हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो VR प्लस C, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √VR² प्लस VC², इनकी वैल्यूज रख के जब हम ये कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमको 220 वोल्ट मिल जाती है। मीन्स अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो गई कि ये ज़्यादा कैसे आ रहा था, क्योंकि हम इसको सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे जैसे DC सर्किट में करते हैं, पर ये तो AC सर्किट है, AC सर्किट में हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में, और वहाँ पर इनमें एक फेज डिफरेंस होता है π/2। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं जिससे कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट मिल जाती है। तो मींस हमको फेज डिफरेंस जो है इन दो वोल्टेज के बीच का वो कंसीडर करना चाहिए जिससे कि हम इसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो बच्चों ये थे एग्जांपल 7.4, 7.5 और 7.6। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।